ओम शांति। मुरली का तारीख है 20/8/2018। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न, गॉडफादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? उत्तर, गॉडफादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता कि हे आत्माएं, शरीर का बांध छोड़ो और मुझे याद करो, या दो शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी काल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसीलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चे, सालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं, इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वहां कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। या तो जानते हो, सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे, स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यहाँ मनुष्य नहीं है, यहाँ है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता। या महिमा देवताओं की भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं, या महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा या शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं, सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते? ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सदगति होती है। यह है नई बात। गीता में कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेज फुल परमपिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं, या मनुष्य भूल जाते हैं? ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं, समझाया जाता है पहले बाप का चित्र मंदिर आदि बनते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचते ऊंच वहां है, उनकी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लिए लायक है। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है, उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। या ब्रह्मा तो कुछ नहीं, इनमें परम पिता परमात्मा ना आए तो इनकी पूजा क्या होगी? सबका सदगति दाता एक ही बाप है। या विचार सागर मंथन करना होता है, भक्ति कैसे शुरू होगी? शुबाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंचते ऊंच है एक, अगर
वह ना आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए। सब मनुष्य मात्र पतित है, अब शिव बाबा ना आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में फिरो ना सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। बाप भी खुश होते हैं या बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत होते हैं। पति पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि यहाँ गंगा फिर कौन है। क्या कोई शक्ति है जिससे पतित से पावन बनते हैं, वह पानी से पावन बनते हैं। बाप कहते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। इसीलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है। वहां तो बहुत योग आसन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता। माताएं अबलाए हठ योग को क्या जाने। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती है। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं या इम्तिहान पास करके या बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो या भी इम्तिहान है, गॉडफादर पढ़ाते हैं। वहाँ है पतित पावन, तुम्हारी है गॉडफादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं, हे आत्माएं, इस शरीर का बांध छोड़ो। इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एज्ड हो गया है। अभी तुमको नई काल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 5 तत्व ही तमो प्रदान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। कल्प पहले भी ले गया था, मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। फिर तुमको अमरपुरी में बेच दूंगा। यह है मृत्युलोक, चीची दुनिया। इसीलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए, और तो हर एक युग 1250 साल का होता है। इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है, जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, ऐसे संगम युग की आयु भी छोटी है। फिर यह दुनिया खत्म हो जाएगी, तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। इसमें पहले श्री कृष्ण आता है, वहाँ शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो बहुत शौकीन ताना जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया। बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया है। नंबर 1 में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, सो भी कुछ समय बाद में बनता होगा, फिर पूजा शुरू होगी। अभी तो है गोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाप कहते हैं, मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ। महाबारी लड़ाई भी है, लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से वहाँ चीजें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो बरोबर
विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, समझते हैं कोई प्रेरक है। दोनों ने विनाश के लिए बॉम्ब्स बना कर रखे हैं। आफतें भी आनी है, तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो। स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। समझो, कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा, वैकुंठ तो देखते हैं ना? अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्रों आदि की बात नहीं है, या तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं। तुम अपने को देही समझ बाप को याद करते हो। भगवान वच अपने बच्चों प्रति कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सम्मुख होता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं, उनमें से कोई सौतेले है, कोई मातेले है। मातेले बच्चों को ही वर्षा का हक है। संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता। वहाँ फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते हैं, मातेले राजाई में आ जाते हैं। वह बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं। गाते भी है ना, तुम पर बलिहार जाऊंगा, वारी जाऊंगा। बाप कहते हैं, मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। हिम्मते मरता मददे खुदा, और सबसे बुद्धियोग तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, या सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम ककपन देते हैं और बदले में विश्व के बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुराने देह से हमारा ममत्व नहीं है, या तो तमो प्रदान रोगी शरीर है। हमारे पास और क्या है? मनुष्य मरते हैं, सब कुछ छूट जाता है, फिर उनका सब कुछ करनी गौर को दिया जाता है। हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। माया फिर विघ्न डालती है, इसीलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं, बाप समझाते हैं, या रत्बी ड्रामा अनुसार मेरा मुकरर किया हुआ है, और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा, कल्प पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था, तो कितना सहज है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि ना जाए। याद रखना, अंतकाल जो पुत्र सिमिरे, अगर किसी को भी याद किया तो वहां जन्म लेना पड़ेगा। कहां भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। अंतकाल जो स्त्री सिमिरे, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओमकार उनका एक ही नाम है, उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं है। जो नाम बदली हो, तुम तो 84 जन्म लेते हो तो नाम भी 84 पड़ते हैं। बाप की महिमा में गाते हैं, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, वही कालों का काल है, उन्हें काल का नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। निर्वैर
मेरा कोई से वैर नहीं है। अकाल मूरत अजोनी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी कितनी महिमा गाते हैं, गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। कलयुग के दुख हरते हैं, सतयुग के सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना? तो जरूर बाप जब संगम पर आए तब सभी को शांति धाम ले जाए और तुमको फिर सुखधाम भेज दे। कितनी सहज बात है, परंतु माया ऐसी है जो यहाँ से बाहर गया तो भूल जाएंगे। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूँ, त्राही त्राही करते हो कि हम माफी मांगते हैं, फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। यहाँ है ही माया का राज्य। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घरबार छोड़ने की बात नहीं। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा या बेहद का सन्यास है। उन सन्यासियों का है हथ का सन्यास। जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में, नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना सहज समझाता हूँ। बुढ़ियाए कितनी है, कहती है हमको धारणा नहीं होती। अच्छा, या तो जानती हो कि परमात्मा पढ़ाते हैं, वहाँ कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया है, या हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्र का दर्शन होता है, यहाँ ही निरोगी काया बनती है। चक्र को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कितना सहज समझाते हैं, सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं। यह है सच्ची कमाई, बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है, सब छूट जाता है। सागर को उतल कानी है, नेचुरल कैलमिटीज भी आनी है। भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था। भारत है शुबाबा की जन्मभूमि, बड़े ते बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय की शादी पूरी बर्बादी है, शुबाबा से सगाई पूरी आबादी है। शुबाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं। कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का, फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है, वहां भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉडफादर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर टीचर सतगुरु हो ना सके, फादर और टीचर हो सकते हैं, गुरु हो नहीं सकते। सो भी वह जिस्मानी विद्या या बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात ना समझे तो हजार बार पूछो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में फिरोना है। बाप को अपना ककपन दे बलिहार हो सबसे ममत्व मिटा देना है। सेकेंड पॉइंट अंत काल में एक बाबा ही याद रहे उसके लिए और सबसे बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट बवा अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाबा का है सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप एक ही याद का रास्ता इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन अडोलता के तख्त पर विराजमान हो साक्षी दृष्टा बन पार्ट बजाने वाले ही श्रेष्ठ पात्रदारी है। अच्छा ओम शांति।